मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पूरी तरह से सोच लेकर आता। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तो मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो कैसी कहानी होने वाली है विधाता 2 की? कौन होगा मूवी में खलनायक के रोल में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ विधाता 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। विधाता का मतलब आखिर है क्या? सोचा है कभी? कईयों के नाम होते हैं तो किसी ने मूवी का नाम ही विधाता रख दिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में विधाता का मतलब क्या है। लोगों ने अपने अपने मतलब से इस वर्ड को यूज कर लिया, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग किसी ने नहीं बताया। तो विधाता उसे कहते हैं जो सृष्टि के क्रिएटर हैं, हमारे भाग्य विधाता। उसी तरह विधाता मूवी के क्रिएटर हैं सुभाष घई, और घई साहब एक बार फिर इसका सीक्वल लेकर आ रही हैं। पहले पार्ट की बात करें तो ये मूवी आई थी 1982 में और 8 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। कमाल की बात ये है कि इस मूवी में जितना मेकर्स ने इनपुट दिया था उसका डबल आउटपुट मेकर्स को मिला। इट मीन्स कि मूवी ने 16 करोड़ की कमाई की। वैसे तो मूवी के यंग स्टार्स को छोड़ सभी सीनियर स्टार्स ने दुनिया को छोड़कर हमें अलविदा कह दिया है, चाहे वो दिलीप जी हों या शमी जी या फिर अमरीश पुरी जी। सब अपने समय के उम्दा A1 एक्टर्स की गिनती में आते थे, लेकिन अब ये सारे लोग वापस तो आ नहीं सकते। इसलिए विधाता 2 में संजय दत्त के अलावा और दूसरे कलाकार नजर आने वाले हैं, लेकिन अभी अदर कास्ट की फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। लेकिन विलन को लेकर नाम सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि विधाता 2 में परेश रावल या पंकज त्रिपाठी विलन के रोल के लिए फिट बैठेंगे। खैर देखते हैं कौन होता है आखिर मूवी में विलन। अभी आपको विधाता 2 की कहानी के बारे में थोड़ी हिंट दे दूं। सुभाष घई द्वारा बनाई जा रही चर्चित मूवी विधाता 2 की कहानी क्या है, ये रहस्य बॉलीवुड गलियारों में लंबे समय से बना हुआ है। अब शोमैन ने खुद ही इस मूवी की कहानी से पर्दा उठा दिया है। शोमैन निकनेम से फेमस फिल्म मेकर सुभाष घई विधाता का सीक्वल बना रहे हैं। इस मूवी की शूटिंग के लिए उन्होंने उत्तराखंड जाने का सोचा है और वहां ही अपनी मूवी की पहली स्केड्यूल शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। विधाता 2 के रहस्य से पर्दा उठाते हुए सुभाष घई ने कहा कि उनकी ये मूवी गांव की एक लड़की की कहानी है। सुभाष घई ने बताया कि विधाता 2 की कहानी भ्रष्टाचार के खिलाफ और सिस्टम चेंज के लिए गांव की लड़की की जंग पर आधारित है। अभी बस पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जब पूरी तरह से स्क्रिप्टिंग का काम पूरा हो जाएगा तो पूरी कास्ट से पर्दा भी उठ जाएगा कि कौन होगी मूवी की हीरोइन, क्या ये मल्टी स्टारर मूवी होगी। बहुत सारे प्लॉट्स अभी कवर करने हैं मेकर्स को। जब वो ये सब कवर कर लेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा, और जब हमें पता चलेगा तो मैं आपको सबसे पहले मूवी की अपडेट दूंगी। फिलहाल के लिए आप बताइए कि आपको किस हीरो हीरोइन को एक साथ इस मूवी में देखना है। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। बाय बाय।